दिस इज़ मी एलिस स्विफ्ट, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई एम बैक विथ अनदर ब्लॉग। सो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी हटके है एंड टाइटल से थोड़ा बहुत तो आप समझ ही गए होंगे। सो आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस वीडियो को शूट करने के लिए और आज के डे को इन्जॉय करने के लिए। सो मैं जा रही हूँ मूवी देखने। सो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, मूवी जैसी मूवी देखने जा रही हूँ। लाइफ में पहली बार मैं हॉल में वो मूवी देखने जा रही हूँ, मैं हॉरर मूवी। और आप लोगों को मे भी पता नहीं होगा बट मैं हॉरर मूवी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बट आज तक मैंने हॉलीवुड की हॉरर मूवी कभी भी किसी हॉल में नहीं देखी है क्योंकि उसके साउंड क्वालिटी इतनी अमेजिंग होती है। तो मैं वो फील लेना चाहती हूँ, एक्सपीरियंस लेना चाहती हूँ हॉल में जाके। सो पहली बार फाइनली हमारे मुजफ्फरपुर में लग रहा है, नहीं तो ऐसे काफ़ी सारी मूवीज़ हॉरर मूवीज़ लगते हैं तो पटना में लगते हैं, यहाँ पर कभी नहीं लगता है। इस बार भी लगा है तो देखो ना हिंदी में लगा है, बट चलो यार कुछ नहीं होने से अच्छा है कि कुछ हो। सो वो तो है ही। सो फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ, अपने घर से निकल गई हूँ, 30 मिनट्स अभी बचे हुए हैं, पहुँच जाऊँगी मैं टाइम पे आई होप। एंड मुझे कुछ और लोग भी ज्वाइन करने वाले हैं, वो कौन है क्या है और मूवी कैसी रहेगी, थिएटर की क्या कंडीशन है, हम बहुत सारी चीज़ें, ये सब कुछ एक वीडियो लाइक एक एंटरटेनिंग वीडियो तो होगा ही बट थोड़ा इन्फॉर्मेटिव भी होगा। सो चलो एंड टिकट्स के रेट सब कुछ जो होगा मैं आगे बताऊँगी, फिलहाल हम ये अभी बढ़ते हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं ले लूँ। सो गाइज मैं मिठनपुरा चौक पे पहुंच गई हूँ, अब मेरे पास बचे हैं सिर्फ 10 मिनट और मैं अब रिवील कर सकती हूँ कौन सी मूवी जाने वाली हूँ। द पॉप्स एग्जॉस्टिक, यस। सो हॉरर मूवी है, इसकी ट्रेलर मैंने देखी थी, काफ़ी मुझे अमेजिंग लगी थी, लेट्स सी कैसा होता है। सो गाइज मैं ग्रैंड मॉल पहुंच गई हूं और यहां के सिनेपॉलिस में देखूंगी मैं मूवी 11 बजे सुबह की, मतलब इतनी सुबह मूवी मैं देखने आ रही हूँ बिकॉज ये लिटरली मेरा, तो मैं ये बोल रही थी कि मैं इतनी सुबह ये मूवी इसलिए देखने आ गई हूँ बिकॉज इसके लिए मैं बहुत 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 सालों से वेट कर रही थी कि कभी मैं हॉल में जाके हॉरर मूवी देखूँ। सो फाइनली वो दिन आ गया है। वैसे सिनेपॉलिस बोल रही हूँ, ग्रैंड मॉल का ना कंडीशन बहुत ख़राब हो गया यार, बहुत खाली खाली सा लगता है। आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताना आप लोग को अब ग्रैंड मॉल में पहले वाली फीलिंग आती है या नहीं, मुझे तो नहीं आती है। मैं तो एकदम टाइम पे 11 बजे एकदम पहुंच गई हूँ यहाँ पे, बट मैंने बताया कि मुझे और भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो है मेरी दी जीजू और मेरी नीज आरना, और वो लोग अभी तक नहीं पहुँचे हैं तो बस रास्ते में कॉल किया था मैंने, पहुँचने वाले, तो मैं बस उनका वेट कर रही हूँ। मैं अकेले नहीं जाना चाहती हूँ, अंदर जाना चाहती हूँ, मतलब सोच रही हूँ कि उनका वेट कर ही लेती हूँ, 5-10 मिनट लेट भी होंगे तो क्या, वैसे भी अभी कुछ ट्रेलर ये सब चल ही रहा होगा। और वैसे मैं बताऊँ मैंने द पॉप्स एग्जॉस्टिक यस, बहुत बहुत डिफिकल्ट नेम होते हैं, द पॉप एग्जॉस्टिक का ट्रेलर मैंने देखा था ना तो बहुत खतरनाक लगा था। मतलब मैं अगर इंडियन 1920 जो बॉलीवुड की हॉरर मूवी आई थी ना उसका थोड़ा सा सीन उसमें ऐड है, बट उसके इफेक्ट्स इतने अमेजिंग होते हैं, उसकी एक्टिंग इतनी अमेजिंग होती है, तो अभी मैं इतनी सारी तारीफ पहले ही कर रही हूँ बट लेट्स सी कैसा होता है। अच्छा हो यार क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस हॉरर मूवी का होने वाला है। बॉलीवुड हॉरर को सच बताओ तो कॉमेडी लगती है तो मैं कभी देखती भी नहीं हूँ, तो चलो उनका वेट करते हैं और फिर हम आते चलते हैं। तो मैं आने में 10 मिनट लेट किया और मैं जिनका वेट कर रही थी, यहाँ देखो किशु आ गया है, ये पता नहीं क्या हॉरर मूवी है देखने देगा या नहीं, इधर आरना है और इधर दीदी और जीजू, ये लोग भी आ गए हैं, इनके वजह से थोड़ा लेट हो गया है, अभी हम अंदर चलते हैं जल्दी से। पता चलता है कि वो शैतान के वश में है, फादर उसके घर वालों ने डॉक्टर को दिखाया,
वो लोग पहले कई डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं। कौन है तेरा सबसे बड़ा डर? मैं तेरा काल हूँ, नरक में आ जा। मूवी अभी हाफ हमने देखी, इंटरवल का टाइम हुआ है, अभी मैं जा रही हूँ वॉशरूम। सो अभी तक की मूवी का बताऊँ सीन तो उतना ज्यादा डरावना नहीं, उतना मतलब बिल्कुल भी डरावना नहीं है, बट देखो आधा बचा हुआ है, अच्छा हो। एंड चलो अभी वॉशरूम चलते हुए वॉशरूम की कंडीशन बताती हूँ कैसी है। एंड बाय द वे सीट्स जो है वो काफी कंफर्टेबल है। साउंड क्वालिटी भी मैं कंपेयर करूँ बाकी यहाँ पे जितने भी सिनेमा हॉल्स हैं तो उन सबसे अच्छी क्वालिटी लगती है, इसीलिए मैं जब भी मूवीज देखने का प्लान करती हूँ तो सबसे पहला नंबर जो मेरा आता है लिस्ट में वो हमेशा सिनेपोलिस ही होता है। सो काफी बातें हो गई, चलो हम लोग अंदर चलते हैं अभी। चलो अभी हम अंदर चलते हैं, हाफ मूवी को एंजॉय करते हैं, आधा तो ओके ओके था, मतलब उतना ज्यादा डरावना तो था नहीं कुछ भी, बिल्कुल थोड़ा क्या, बिल्कुल भी डरावना नहीं था ना, थोड़ा सा भी डर नहीं लगा हमें, तो हम आधी मूवी अंदर जाके एंजॉय करते हैं। तू ये माने के ना माने। हमारी मूवी ख़त्म हो गई, बट इट वॉज गुड, ठीक ठाक था, ये नहीं बोलूँगी कि बहुत अच्छा था, बट मूवी देखने के बाद अभी ग्रैंड मॉल में ना नीचे में आप जैसे एंटर करते हैं वहीं पे ये आइसक्रीम के काउंटर भी लगाने लगे हैं, यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए ऐसे लगे हुए हैं, सो अभी हम लोग यहाँ पे आइसक्रीम इंजॉय करेंगे। सो गाइज मैंने लिया चॉकलेट, तुम्हारा ब्लैक कॉफी ना, थोड़ा सा टेस्ट करो, गर्मी का टाइम है, मेल्ट ज़्यादा हो रहा है, और इसका टेस्ट भी अच्छा है। ये 50 का पड़ा ना, ये 40 का था, हाँ चॉकलेट 40 है, तो मुझे लगता है ये 40 में वर्थ ही कहीं, ये ज़्यादा मतलब मुझे लगता है रेट इसका ज़्यादा सही है, गर्मियों में आइसक्रीम तो होना ही चाहिए। मैं बोल रही थी कि मूवी वॉज ओके, मतलब ये नहीं बोल सकती कि बहुत ज़्यादा डरावना था, इससे बहुत बहुत खतरनाक मैंने मूवीज़ देखी है, तो उसके हिसाब से अगर मैं इसको रेटिंग्स दूँ तो सिर्फ मैं 4 या 5 दूँगी,
10 में, बट एक बार को तो देख सकते हैं. एंड चलो फाइनली कुछ तो देखने को मिला, ना से कुछ हाँ सही हुआ. एंड एक बार तो हॉल में देखने लायक मूवी थी, बट उतनी डरावनी थी बट नहीं थी. बट यस एक चीज सबसे अच्छी लगी इसकी मुझे, क्या कि ये रियल स्टोरी पे बेस्ड थी. इसमें जो भी, इस मूवी में जो भी स्टोरी दिखाई गई है वो रियल स्टोरी पे बेस्ड है. स्टार्टिंग टू एंड में आपको बस एंड में हल्का सा थोड़ा सा डर लगेगा, अगर आपको हॉरर मूवीज में थोड़ा डर लगता है तो. बट अगर आप रेगुलर हॉरर मूवीज देखते हैं तो आपको उतना कुछ खास डर लगेगा नहीं, जिससे मेरे जैसे लोगों को बिल्कुल डर नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं, मतलब इतना भी बोलते एक सेकेंड के लिए भी डर नहीं लगा. बट एंटरटेनिंग है, आप देख सकते हो. एंड यस अगर आप लोग को मन हो तो आके देख सकते हो. मुजफ्फरपुर में सिर्फ सिनेपोलिस में लगा हुआ है, सुबह के 11 और रात के 8:05 में है, तो आप तब मूवी देख सकते हैं. टिकट्स की बात करूँ तो मैंने जो टिकट बुक किया था 150 का पड़ा. वैसे ना मूवीज़ के टिकट्स क्या होते हैं कि जिस टाइप की मूवी होती है, लाइक इसमें बहुत कम भीड़ भाड़ थी तो टिकट सस्ती थी. वैसे जो जो मूवीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में होता, लोगों को देखना पसंद होता है, उसकी मूवी के टिकट्स थोड़े हाई भी होते हैं. और शायद इस मूवी में उतना मज़ा इसलिए नहीं आया बिकॉज ये हिंदी में था, डब्ड था, इंग्लिश में था ही नहीं. इंग्लिश में रहता तो शायद ज़्यादा मज़ा आता, बट ओवरऑल इट वॉज गुड. चलो मैंने बहुत सारी बातें कर ली. वीडियो अगर पसंद आया डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर. चैनल में पहली बार आया तो सब्सक्राइब करना ना भूले. मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय.